हेलो दोस्तों, मैं डिंपल आज आपके लिए बना रही हूँ चरचरी। ये चरचरी जो है मैं कोहरे के फूल से बना रही हूँ। बंगाली कल्चर में बहुत चरचरी फेमस है, कई तरीके से बनाया जाता है, कई सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है, बट ये जो पम्पकिन के फूल से तैयार की जाती है चरचरी, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी लगती है और डिफरेंट भी। तो इसको बनाने के लिए एक बड़े से बाउल मैंने ले लिया है बेसन। इसमें डालना है हमें कैरम सीड्स मीन्स अजवाइन, हल्दी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच मैंने यहाँ लहसुन का पेस्ट डाला है, और इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। जैसे आलू चॉप या ब्रेड पकोड़ा के ले लिए हम लोग घोल बनाते हैं, बस वैसे ही ये घोल रेडी कर लेना है। जैसे कि आपने देखा, फूल पहले से ही मैंने क्लीन करके धो के रख लिया था, तो उन फूलों को एक एक करके हमें डिप करना है बेसन में। टैप करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बेसन है इस तरीके से झाड़ लेते हैं, और वन बाई वन सारे फूलों को हमें फ्राई कर लेना है। पकौड़े हमें इस तरीके से फ्राई करने हैं कि कलर अच्छे तरीके से गोल्डन आ जाए। जैसे कि आप देख रहे, कलर बहुत ही अच्छा आ गया। इस तरीके से मैंने सारे फूल एक एक करके मैंने डीप फ्राई कर लिए और इन्हें एक साइड रख दिया। उसके बाद एक कटोरी में मैं सरसों ले रही हूँ। आप पीले या काले किसी भी सरसों का यूज़ कर सकते हो। लहसुन की कलियाँ डाली हैं कुछ, सूखी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च, दोनों मिर्च का टेस्ट अलग होता है, इसलिए दोनों मिर्च लेना। एक बड़े साइज़ का टमाटर, लाल टमाटर मैंने लिया है, ये पीसने में हेल्प करेगा, और बारीक पेस्ट इसका मैंने तैयार कर लिया। इस पेस्ट का मैं सरसों, लहसुन, मिर्च, टमाटर का जो पेस्ट है उसे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है, और इसे अच्छी तरीके से धुल के, मिक्सी के जार को धुल के एक गिलास के लगभग में मैंने पानी ले लिया है। कढ़ाई को मैंने अभी गैस में नहीं चढ़ाया है, अभी ऐसे ही मैंने लिया हुआ है, और उसमें पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, मैंने सरसों के पेस्ट और पानी को मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। हल्दी बहुत ही हल्का डालना, बहुत ही डीप कलर वरना हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी। इसका टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई मैंगो मीन्स अमसी डाला है। अमसी ना हो तो आप किसी भी खट्टी चीज़ मीन्स इमली या अमचूर का यूज़ कर सकते हो। दो चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल ये ज़रूर डालना, मस्टर्ड ऑयल से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुछ फूल मैंने बचा के रख लिए थे 3-4, इसको कटिंग करके इसमें ऐड कर देते, ये थोड़ा सा अलग फ्लेवर देगा, लुक वाइज भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से फूल की कटिंग करके आप ज़रूर डालना अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो। 3 से 4 फूल थे मेरे पास एक्स्ट्रा, तो उसे मैंने इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। इन सभी को मिक्स करने के बाद मैंने गैस में चढ़ा दिया है कढ़ाई को, और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 मिनट अच्छा बॉयल आ जाने के बाद सारी जो पकौड़ियाँ हमने बना के रखा है पम्पकिन के फूल का, उसको इसमें डिप कर देना। सारे पकौड़े को वन बाई वन इसमें मैंने डाल दिया, और अच्छी तरीके से आप इसे प्रेस करते हुए डिप कर दो। डिप करने के बाद फ्लेम को मैंने हाई कर दिया, और फिर से इसमें बॉयल देते हैं। बॉयल बहुत ज़्यादा अब नहीं देना है, बस 1 मिनट के करीब इसमें बॉयल देना है। एक बार ही आप ऊपर नीचे पलट के चला सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट अगर आपने इसमें एक अच्छा सा बॉयल दे दिया, तो ये सब्जी रेडी हो जाती है सर्व करने के लिए। सबसे अच्छी बात, इतनी इजी तरीके से बनी हुई सब्जी में अलग से आपको और कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स राइस के साथ अगर आपने ये सब्जी सर्व कर दी तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यूनिक लगता है। और इसका जो प्लस पॉइंट है, इसका झोर, इसका जो सरसों का झोर है मीन्स ग्रेवी है, वो इतनी टेस्टी, इतनी चटपटी, इतनी तीखी रहती है कि अलग से दाल सब्जी न भी हो तो आप भरपेट खाना खा लोगे। अगर आपको ये यूनिक रेसिपी पसंद आई तो सपोर्ट करना तो बनता है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।